जैसा हिम्मत वाला ही बर्दाश्त कर सकता है। अरे वाह सासुमा, लगता है आपने श्रीदेवी की सारी पिक्चरें देख ली है। फिर मैं फैन हूँ उसकी। माँ राधा जल्दी करो, देर हो रही है। चल चल चल। और फिर मैंने उसे हिप्नोटाइज करके बंदर बना दिया। मैं तुम्हें अपने बहुत ही अच्छे दोस्त से मिलाता हूँ। शैलेंद्र, ये है मिस्टर मिसेस रवि वर्मा। हेलो। और ये है शैलेंद्र केशव। नमस्ते जी। नमस्ते। ये जो हिप्नोटिस्ट है ना, सम्मोहित कर देने वाला। वाओ। हाय सुंदरी। मुबारक हो बेटे। नहीं रहने दो। पैर छू। मुबारक हो बेटे। अब इस साल एक हस्ती खेलती गुड़िया भी लाना इस घर में। अरे आंटी इस साल क्यों, आप कहे तो हर साल ले आते हैं। मुझे वर्मा एक बात बताओ जी, आप जब हंसती है ना इस तरह तो बहुत सुंदर लगती है। Let me warn you, आंटी, शैलेंद्र का ये दावा है कि इस पार्टी की सबसे सुंदर औरत को वो हिप्नोटाइज करके भगा ले जाएगा। तो क्या आप मेरी सासू माँ को भगा के ले जाएंगे? अरे भाई किसे भगा कर ले जाओ यही सोच रहा हूँ। यहाँ तो सभी इतने सुंदर है। यहाँ पे सबसे सुंदर वही है जिसका नाम है सुंदरी। क्यों सुंदरी भाभी यार? अरे ये तो मुझे 10 साल पहले ही भगा ले गए और अब मैं भागता फिर रहा हूँ। अच्छा भाभी कह रही थी आप लोगों को सम्मोहित करके उनका व्यक्तित्व बदल देते हैं। मतलब
मतलब ये कि ये किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी बना सकते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं मानती, ऐसा थोड़ी होता है। होता है मैडम, होता है। मैं आपको हिप्नोटाइज करके आपकी बहू बना सकता हूँ, और आपकी बहू को हिप्नोटाइज करके आपकी सास। नहीं नहीं ये मेरी सास कैसे बन सकती है। चलो आप किसी को हिप्नोटाइज करके दिखाओ, तब ये मानेंगी। अच्छा तो बोलो रानी, क्या बनोगी? जो मैं कहूंगी वो करोगी? हाँ मिसेस वर्मा, पता है लास्ट टाइम मैं चाहती थी कि मैं मदर टेरेसा बनूं, और इन्होंने पता क्या बनाया मुझे? क्या? डाकू किल्लन देवी। अब हमें भी अपना हिप्नोटिज्म करके बताइए ना। क्यों नहीं, श्योर श्योर, व्हाई नॉट। रेडी सुंदरी? रेडी तो हूँ, लेकिन लास्ट टाइम की किल्लन देवी नहीं बनूंगी, इस टाइम इंस्पेक्टर किरण बेदी। किरण बेदी, ए दैट्स अ ग्रेट आइडिया, स्टार्ट करो। ओके ओके सुंदरी, कम ऑन, गेट रेडी। देखो इस तरफ, यस, गौर से इस खड़ी की तरफ देखो। तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तुम्हें और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी आंखें भारी होती जा रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है। मेरे चुटकी बजाते ही तुम गहरी नींद में सो जाओगी। और अब मेरे घंटी बजाते ही तुम बन जाओगी फल बेचने वाली। ताजे ताजे फल ले लो, ताजे फल ले लो। नीचे बैठ। अब बोलो दीदी, काय माई जी तला, क्या क्या है तेरे पास? और सब कुछ है। चिक्कू कहाँ है? ये लो चिक्कू, नहीं अच्छे लगते मुझे, मुझे सेब चाहिए। मैं खरीद रही हूँ, तू क्यों बीच बीच में टांग अड़ा रही है? हम दोनों साथ में खरीदते हैं ना फल। कोई जरूरत, मैं अकेले फल खरीदूंगी। अच्छा मैं नहीं बोलूंगी। तू और नहीं बोलेगी? बोलेगी। कहाँ मैं नहीं बोलूंगी? बोलेगी। नहीं बोलूंगी। बोलेगी। बोलेगी। तुम लोग सास बहू हो क्या? तुझे क्या संभालू? मालूम पड़ गया तेरी सास भी ऐसी है क्या? मेरी सास? अग बाय 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 बाय, मेरी सास तो एक नंबर की। ए! मिसेस वर्मा, अब तो यकीन आ गया ना? भाई तुम दोनों तो हो पति पत्नी, क्या पता मिलकर नाटक भी खेल रहे होंगे। तो खुद पे आजमा लीजिए ना। मुझ पर? हाँ। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं तुम क्या बनाओगे मेरा। आप है ना, इस पर आजमाइए। मुझ पर? नहीं नहीं, बी स्पॉट राधा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मैं हिप्नोटाइज हो पाऊंगी। क्यों? मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, बड़ा पक्का है मेरा आत्मबल। अच्छा चलिए देखते हैं, कहिए क्या बनना चाहेंगी आप? श्रीदेवी। क्या? हाँ, कपड़े भी उसके जैसे पहने हैं तुमने। She's right, she's right। तो चलिए आपको बनाते हैं श्रीदेवी। चलिए। ओके ओके। गौर से इस खड़ी की तरफ देखिए, मैं सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है और तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे नींद से भारी हो रही है, तुम्हें नींद आ रही है। मेरे चुटकी बजाते ही गहरी नींद में सो जाएंगी। मेरे घंटी बजाते ही
आप बन जाएंगी श्रीदेवी। मेरे हाथों में ना चूड़ियां है, तेरा खैर सजनी चूड़ियां है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा डिंग डॉंग डिंग। तो हिप्नोटिस्ट ये श्रीदेवी नहीं, ये तो माधुरी दीक्षित नहीं है। क्योंकि मैं माधुरी दीक्षित की फैन हूँ। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पे असर नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, मेरी विल पावर एकदम स्ट्रांग है, मुझ पर इस घंटी का कोई असर नहीं होने वाला। अरे एक्सक्यूज मी, अरे आप लोग रात भर इसी तरह खेलते रहेंगे या हमें खाना वाना भी खिलाएंगे? बहू 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 रानी, श्रीदेवी की पिक्चर देखने चलते हैं गुरुदेव, उसमें उसका डबल रोल है हा? और फिर वहां से वो इंश्योरेंस के एजेंट के पास भी होकर आएंगे, 2:30 बजे के अपॉइंटमेंट है उसकी। वैसे सासू माँ पॉलिसी कितने की निकाल रहे हैं? अरे तू ही बोलना, प्रीमियम तो तेरे पति ने ही भरना है। वो क्यों भरेंगे प्रीमियम? क्योंकि पॉलिसी तो मेरे नाम पर होगी, लेकिन पैसे तो तुझे ही मिलेंगे ना मेरे बाद। नहीं 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 साहब, आप सलामत रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तू जा जल्दी तैयार हो जाए, कहीं पिक्चर हाउसफुल ना हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। हेलो अन्ना, गप्पू कौन है ये गप्पू? आपको किससे बात करनी है? देवकी वर्मा? ये तो बिल्कुल साइलेंट जमाने की हीरोइन लगता है। आई टोल्ड यू ना, आई एम द क्वीन ऑफ द इंडस्ट्री। आपको शायद रॉन्ग नंबर लगा है। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। बहुत अच्छा गा लेती है तुम। यू विल कम अप, गाना इतना अच्छा है। तू जानती है मेरा सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? कौन सा? मेरा पहला गाना चांदनी। तू मेरी चांदनी। चांदनी पिक्चर का गाना। सोना मेरी सोना सोना सोना। बहुत मजा आया था। एडवांस नहीं मिलेगा? एडवांस वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अभी गाना कौन गा रहा था? गाना कौन सा? वही चांदनी मेरी चांदनी। चुप, या कोई गाना नहीं गा रहा, वैसे भी तेरे कान बजते रहते हैं। जा जा बहू। अरे बहू चलना जल्दी, देर हो रही है। चलिए गुरुदेव चलिए। टैक्सी एलआईसी बिल्डिंग बैठ गो। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, गोरी का दिल गोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले 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 हल्ले, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले। कितने पैसे हुए? 30 रुपए। जी हाँ सर जी हाँ, लेकिन सुनिए आज की लास्ट डेट है ना? अच्छा ओके ओके, हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। नमस्ते 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 नमस्ते, बैठिए ना।
मैं देवकी वर्मा जी और ये मेरी बहू राधा वर्मा। हाँ तो आप नई पॉलिसी लेना चाहती है? जी हाँ। कौन सी पॉलिसी लेंगे आप, मनी बैक पॉलिसी, जॉइंट अकाउंट स्कीम या एक्सीडेंट रिकवर मेडिकल क्लेम? मेरे ख्याल से मनी बैक पॉलिसी ठीक रहेगी। जी हाँ, मैं भी यही सजेस्ट करने वाला था। हाँ जी सर, सर मैं अभी लेकर, हाँ अभी आता हूँ। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, मैं दो मिनट में आता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लगता है ये? हाँ, सोचती हूँ मैं उसे कार प्रेजेंट करूँ। कार? हाँ कार, तुम्हें चाहिए दे दूंगी। आप क्यों लोगों को कार्स बांटती फिर रही है? क्यों नहीं, आखिर मैं नंबर वन हूँ, टॉप पर हूँ। टॉप पर? अपने प्रोफेशन में टॉप पर हूँ। लोग कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पैसे आज तक किसी हीरोइन ने नहीं मांगे। जिस फिल्म में मेरा नाम होता है लोग उसे जरूर देखते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? डोंट बी स्टूपिड, यू आर वेरी वेरी सॉरी, मेरा नाम भूल गई। कहीं आपका नाम श्रीदेवी तो नहीं? Of course, the one and only number one, श्रीदेवी। कल रात मेरी जगह आप श्री श्री क्या करो आप? चिटकी चिटकी। अरे जरा रिदम में बजाओ ना चुटकी, ऐसे ऐसे। खन लखन चूड़िया खनकती है, देख साहेबा चूड़िया खनकती है। हाथों मोरनी मोरनी बागा माँ बोले आलो। श्रीदेवी जी अभी नहीं, टेक में। ओके ओके ओके। बेल 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 नंबर नंबर। मैं अभी देख के आती हूँ शॉर्ट रेडी है कि नहीं। हाँ जरा उनसे कहना जल्दी कीजिए। सुमा घर चलते हैं। कहाँ गई है तू? दिमाग ठिकाने पे है तेरा? मेरा तो क्या है, मुझे पसीना क्यों आ रहा है रे? गर्मी गर्मी की वजह से आ रहा है सासुमा, इसलिए कह तू आज चलते हैं कल आते हैं। नहीं नहीं आज की लास्ट डेट है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। अब आए हैं तो काम पूरा करके ही चलते हैं ना? जी हाँ, मैं कह रहा था अब फोन करिए ना, हम लोग फिर कभी आते हैं। नहीं 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 मैं सिर्फ चेक कर रहा था फोन चालू है कि नहीं, क्योंकि रोज इसी वक्त मेरी बीवी मुझे फोन करती है। ए, ये रोशनी कितनी आ रही है मेरे आँख पर। हाँ मैं जरा पर्दा बंद करती हूँ। ये क्या 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 कर रही है आप? पर्दा बंद कर रही थी ना, मुझे लगा ये पर्दे की वायर है। कितने की पॉलिसी लेगी आप? 2 करोड़। जी 2 लाख। अब 2 करोड़ से कम की पॉलिसी मैं कैसे लूं? आखिर मैं नंबर वन हूँ। नंबर वन? नंबर वन, और इस बात का गवाह खुदा खुदा गवाह खुदा गवाह गवाह खुदा खुदा गवाह। ये शैलेंद्र अब तक आया क्यों नहीं है? बेचारी श्रीदेवी, मेरा मतलब है बेचारी सासू माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने, श्रीदेवी बनकर बैठी है ना, डाइटिंग कर रही है।
प्लीज शैलेंद्र, शैलेंद्र प्लीज शैलेंद्र। अरे आप आ गए, लेकिन बात क्या है? मेरी सास हिप्नोटाइज हो गई है मेरी जगह। क्या? वो अपने आप को श्रीदेवी समझने लगी है। यू मीन कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना? कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, बिल्कुल ठीक कर देंगे उन्हें। बुलाइए, कहाँ है? बुलाइए, मैं बुलाता हूँ। बुलाइए। माँ, मेरी प्यारी माँ, देखो कौन आया आपके लिए। वो ऐसी थोड़ी आने वाली है। तो फिर कैसे आने वाली है? मैं बुलाती हूँ इन्हें। एक्सक्यूज मी, हाँ वो ऐसे बुलाने पर ही आती है। भाइयों और बहनों, अब आपके सामने आ रही है मशीनकारा जिनकी ऊंचाई आसमान को छू रही है, द वन एंड ओनली नंबर वन श्री देवी। हवा हवाई प्रोड्यूसर आए हैं आपसे मिलने। नमस्ते जी, नमस्ते। लेकिन मैं दो हीरोइन वाली फिल्मों में काम नहीं करती। ठीक है जी, एक ही हीरोइन रखेंगे, एक ही। कहानी क्या है? आइए ना, मैं सुना था। एक्सक्यूज मी, आइए मैडम बैठिए। आप मेरी आंखों में देखिए। ये फिल्म का टाइटल है? नहीं, ये फिल्म का टाइटल नहीं है। आप मेरी आंखों में गौर से देखिए। आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें नींद से भारी हो रही है। मेरे चुटकी बजाते ही आप गहरी नींद में सो जाएंगी। मेरी तो चुटकी बजाते बजाते उंगलियां घिस गई, इन पर कोई असर ही नहीं हुआ। अरे हमारी आवाज का भी तो असर है। और अब मेरे घंटी बजाते ही आप हमेशा के लिए ये भूल जाएंगी कि आप श्री देवी हैं। आप फिर से देव की माँ बन जाएंगी। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और अब ये जा रहे हैं माँ। आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाऊँ, आइए। अरे लेकिन ये नहीं मिलेंगे। किसके कपड़े पहन रखे मैंने? श्रीदेवी के। श्रीदेवी? यानी कि वहां मैं? हाँ, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी सासू माँ मुझे वापस मिल गई। श्रीदेवी जी, ऑटोग्राफ। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। सास जिसे दिन समझे उसको बहू दीवानी, रात कहे बहू कहे सूरज है निकला, सास से बरसात कहे। दिन में
मौसम के बादल गरजे दोनों यूं तकरार करें हर पल हर दम तू तू मैं फुर्सत हो तो प्यार करें देखें आगे क्या दिखलाए इनकी तू तू मैं बात बात में बढ़ जाती है इनकी तू तू मैं तू तू मैं तू तू